नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी खबर क्या है वो समझ लीजिए। ज्ञानवापी का मसला जो लगातार चला आ रहा था, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज दो अदालतों में सुनवाई हुई है। जिला जज और सिविल जज की फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो अलग अलग मुकदमों में सुनवाई के बाद गर्मी की छुट्टी तक के लिए मामला टाल दिया गया। मस्जिद के सर्वे की वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ भी सौंप दी गई है। अदालत ने सर्वे रिपोर्ट और वीडियो फोटो दोनों से ही शपथ पत्र भी जमा कराया है। इसके बाद रिपोर्ट की सीडी दी गई। शपथ पत्र में इस बात का जिक्र है कि वीडियो और फोटो को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इससे पहले मुकदमे की वैधता पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी। लगातार दो घंटे तक अदालत ने दलील सुनने के बाद समय कम होने के कारण मामले को टाल दिया। अब 4 जुलाई को आगे की सुनवाई होगी। उस दिन भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पेश करेगा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार बार बार यही कहा जा रहा था अदालत की तरफ से कि ये वीडियो रिले जो है कहीं ना कहीं लीक नहीं होना चाहिए, अगर लीक होता है तो उसके जिम्मेदार वादी पक्ष होंगे। लेकिन वादी पक्ष की ओर से ये वीडियो अब लीक हो चुका है, जबकि वादी पक्ष का साफ तौर पर कहना कि हमने ये वीडियो लीक नहीं किया और वीडियो जिसने भी लीक किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में भी विधानसभा और विधान परिषद में कार्यवाही हुई। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। इसके अलावा विधान परिषद में सरकार के पुराने पेंशन प्रणाली को फिर से लागू न करने पर विपक्ष ने जमकर हमला भी किया। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जगह जगह गए, उन्हें खुद महसूस हुई कमी क्या नजर आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम तो हर जगह कमी नजर आ रही है। नर्सिस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही है। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा, वाटर सप्लाई सैनिटेशन में वो तो देखा जाएगा, हाउसिंग में, हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। हाँ, सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना है, उदाहरण के लिए अगर लखनऊ की जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है। जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने मेट्रो है, स्मार्ट सिटी हो सकती है, रिवर फ्रंट है, पार्क्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है। आज शहरों में देख लीजिए गंदगी गंदगी मार है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज रालोद और सपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता और समर्थक मौजूद रहे। सपा उम्मीदवार जावेद अली और सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल पहले से ही नामांकन कर चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि सपा के साथ हमारा गठबंधन कायम है और कायम रहेगा। देखिए, आज दिन इनका है, ये नामांकन करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं, सहयोगी दलों ने जिन्होंने समर्थन दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में सक्रिय तरह से जो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं, कहीं भी अत्याचार होता है और जो हमारे साझे मुद्दे हैं उनको उठा, पहले भी उठती थी और आगे भी उठती। मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में अब तक का रिकॉर्ड टूट गया। 1000 से ज्यादा लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे।
उन्हें गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम के साथ यात्री निवास में भी ठहराया गया था। जो लोग बाहर लाइन में रह गए थे उन्हें बाद में अहदर बुलाया गया। करीबन 2 घंटे से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति तक पहुंच करके उनकी बात सुनी है और अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण तहसील और थाना स्तर पर कर दिया गया है और माफ कीजिएगा कर दिया जाए, ऐसा निर्देश उन्होंने दिया है और निस्तारण समयबद्ध तरीके से पूरी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। यूपी के जौनपुर में निकाह कबूलने के बाद दुल्हन अपने ससुराल नहीं जा सकी। बारातियों को बिना दुल्हन के बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल दूल्हा एक पैर से आंशिक रूप से दिव्यांग था, जिसकी भनक दुल्हन को लगी तो उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष से शादी में हुए खर्चे की भरपाई के लिए उनको बंधक बनाते नजर आए। हालांकि घंटों पंचायत के बाद भी दुल्हन ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं हुई, दूल्हे को बिना दुल्हन के ही अपनी बारात वापस लेकर घर लौटना पड़ा। जानकारी के हिसाब से नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मुफ्ती मोहल्ले के निवासी हिमायत अली के बेटे शान मोहम्मद की शादी लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सौदनपुर गांव निवासी मोहम्मद जलील की बेटी से तय हुई थी। शादी की तारीख 29 मई, दिन रविवार था। घराती बराती सब इकट्ठा थे, शादी की व्यवस्था हुई, शादी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद दूल्हा बाथरूम की तरफ जब गया तो इस बीच लोगों की नजर दूल्हे के पैर पर पड़ी। इसकी जानकारी दुल्हन को दी गई। बस फिर क्या था, दिव्यांग होने के नाते दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा है। मुक्तिगंज बाजार से बारात आई थी, लड़की के यहाँ रस्म होने के बाद मालूम पड़ा कि लड़का एक पैर का लंगड़ा है, तो शादी के लिए जो गए थे उनको दिखाया नहीं गया था, चोरी से शादी कर रहे थे और जो गहना चढ़ाए थे वो भी डुप्लीकेट। इसी माध्यम से शादी कैंसिल हो गई है। बात चल रही समझौता की, भाई जो नुकसान उसे भरपाई किया जाए और आप अपने घर जाइए। तो चलिए आपको एक अहम वीडियो दिखा रहे हैं जिसका जिक्र बुलेटिन की शुरुआत में किया था। ये वीडियो वही है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि जनता टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो वही वीडियो बताया जा रहा है जिसमें कमीशन की कार्रवाई के तहत जिसको खोजा गया है, जिस कमीशन की कार्रवाई के तहत जो वीडियोग्राफी करवाई गई थी ये वही वीडियो बताया जा रहा है, हालांकि जनता टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वजू खाना, जिसका जिक्र बार बार हो रहा था, जिसकी एक तस्वीर बाहर आई थी, लेकिन अब ये पूरा वीडियो, ऐसा कहा जा रहा है कि ये वीडियो लीक हो चुका है। हालांकि कोर्ट की तरफ से वीडियो सुपुर्द करते समय ये कहा गया था कि वीडियो और फोटोज लीक नहीं होनी चाहिए, साथ ही शपथ पत्र भी साइन कराया गया था, लेकिन फिलहाल वीडियो ऐसा कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और ये वही वीडियो जिसका दावा किया जा रहा है कि ये कमीशन की कार्रवाई का वीडियो है, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें आप देख पाएंगे वजू खाना जिसके बीच में पानी भरा हुआ है और कुआं जिसका जिक्र किया जा रहा था कि कुएं में ही शिवलिंग जैसी आकृति देखी गई है, जिस पर दावा मुस्लिम पक्ष का कि ये फव्वारा है और हिंदू पक्ष का कि ये शिवलिंग है। हालांकि वादी पक्ष जिसके सुपुर्द कोर्ट की तरफ से ये वीडियो किया गया था, उनका साफ तौर पर कहना कि वीडियो उनकी तरफ से लीक नहीं किया गया है और जो भी उनको पेपर्स, जो भी उनको एनवलप सौंपे गए थे वो अभी भी सील बंद है। तो ये वीडियो कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, ये उनको नहीं पता है। अब जो वादी पक्ष के वकील है उनका साफ तौर पर यह भी कहना कि जिसने इस वीडियो को लीक किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो सूचना होने के बावजूद इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ताज नगरी में आयोजित 41वें हुनर हाट के आखिरी दिन जमकर धमाल हुआ। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी ने हुनर हाट के मंच पर
ऐसा गाया कि सामने बैठे हजारों लोग झूम उठे। माइक संभालते ही उन्होंने साढ़े नाले रहोगे तो ऐश करोगे गाना गाया और शुरू से ही गजब का माहौल बनता हुआ नजर आया। इसके बाद उन्होंने कुछ पुराने सदाबहार गानों के रिमिक्स गाए। उनके गाने लगातार लोगों के जहन पे छाए रहे। स्टेज पर उनका एनर्जी लेवल कमाल का नजर आया। वहीं बाराबंकी में विद्युत विभाग के जेई की ओर से उपभोक्ताओं को कार्रवाई के नाम पर डरा धमका कर 80,000 घूस लेने का मामला सामने आया है। वहीं जेई का 80,000 रुपए रिश्वत लेते वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला फतेहपुर थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव का, जहां पर जेई समेत कुछ और विद्युत कर्मी पहले अनुजधर नाम के व्यक्ति के घर में बिजली की चेकिंग करने गए और फिर वहां लगे मीटर को नो डिस्प्ले बता दिया। नो डिस्प्ले की बात कहकर जेई ने विद्युत उपभोक्ता को कार्रवाई की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक पहले विद्युत विभाग के जेई के साथ गए मीटर रीडिंग लेने वाले दो संविदा मीटर रीडर्स ने उपभोक्ता को बिजली चोरी के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी। फिर जेल ना भेजने की एवज में धमकी देकर उनसे 1,00,000 रुपए की घूस मांगी है, जिसके बाद बिजली उपभोक्ता कार्रवाई के डर से जेई को घूस के रूप में रुपए देने को तैयार हो गए थे। उपभोक्ता ने बताया है कि उसके काफी मान मुनव्वल के बाद जेई 80,000 रुपए में तैयार हुआ था, जिसके बाद जेई ने उपभोक्ता से घूस की 80,000 की रकम ली और अपने साथियों के साथ उपभोक्ता के ही घर में उसे गिनने भी लगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नोट गिनने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई, स्याही काली स्याही। प्रेस वार्ता के दौरान धक्का मुक्की के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने आरोपियों को पकड़कर उसकी पिटाई भी की। वहीं इस पूरी घटना के बाद कार्यक्रम में जमकर एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गईं। ताजा जानकारी के हिसाब से इस घटना के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये स्याही स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थकों ने फेंकी है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जब प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने टिकैत से पूछा कि किसान नेता चंद्रशेखर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर जवाब देते हुए टिकैत ने कहा, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। बस इतना सुनते ही चंद्रशेखर के समर्थक भड़क गए और राकेश टिकैत के ऊपर उन्होंने काली स्याही फेंक दी। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अभी बताइए, तो जिम्मेदारी यहाँ के लोकल पुलिस की है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से। यूपीएससी के परिणामों में ताजनगरी के समक्ष गोयल ने शहर का नाम रोशन कर दिया है। सिविल सेवा की परीक्षा में सक्षम ने ऑल इंडिया 27वीं रैंक हासिल की है। वो आईएएस बन गए हैं और ये उपलब्धि उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में हासिल कर ली है, जिस पर सक्षम गोयल के परिवार और उनके दोस्तों में खुशी की लहर है। सक्षम गोयल ने आगरा से 10वीं पास की, इसके बाद सक्षम ने दिल्ली से 12वीं की परीक्षा की है, उसके बाद साल 2020 में बीए पास किया, इसके बाद वो आईएएस की तैयारी में जुट गए थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने आईएएस क्लियर कर लिया है। लखनऊ में आज शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। परिवर्तन चौक पर पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटा। उनकी मांग थी कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलाया जाए, क्योंकि उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना शेष रह गया था, जो अभी तक नहीं मिल सका है। करीबन 1.5 साल से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि दलित और दिव्यांगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। चुनाव से पहले वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने दोबारा गठन के बाद भी अभी तक अपना वादा नहीं निभाया। 6,800 शिक्षक भर्ती को लेकर काफी लंबे से इनकी भर्तियां रुकी हुई थी, इसी को लेकर आज ये सभी जो अभ्यर्थी हैं वो परिवर्तन चौक पहुंचे। बड़ी संख्या में यहां पर ये इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। फिलहाल इन एक लंबी लड़ाई है, लड़ रहे हैं लंबे समय से। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या मांग है? क्या सर, क्या मांग है आपकी?
800 को नियुक्ति देना है सर। अब दो साल से जब भर्ती निकली है 2018 की, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। पिछड़े दलितों का हक मार के जनरल वालों को दे दिया गया है, वो लोग नियुक्त हो गए हैं। सरकार उनको हटाना नहीं चाहती है, हम लोग को रखना नहीं चाहती है। यही बात अगर जनरल वालों की होती तो अब तक कब के नियुक्ति हो गई होती। ये दलित जो वर्ग है और जो दिव्यांग है उनको, हम लोग का अपराध है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, घर से भी प्रताड़ित हैं, बाहर से भी कहीं बेरोजगार एकदम 6 महीने से सड़क पर आ गए हैं, चल एकदम मानसिक प्रताड़ना से हम लोग क्या करें। मांग की आप लोगों ने इससे पहले? हम लोग की यही मांग है, हम लोग को नियुक्ति कर दीजिए, लेकिन सरकार के कान में बात जाती नहीं है। अभ्यर्थी हैं अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हैं, भारी संख्या महिलाओं की है जो मांग करने यहाँ पहुँची है, इसी को लेकर आज यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की जो फोर्स है वो भी लगाई गई है और बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर इनका जो कॉल थी वो इको गार्डन के लिए थी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में रिक्त हो रही राज्यसभा सीट को लेकर कल्पना सैनी के नाम पर मोहर लग चुकी है। इसके साथ ही राज्यसभा के लिए 10 जून को मतदान होना है। आज डॉक्टर कल्पना सैनी बीजेपी कार्यालय पहुंची, इस दौरान उन्होंने तमाम पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन्हें जो अहम जिम्मेदारी सौंपी है वो पूरी निष्ठा के साथ निभाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने संगठन और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी किया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी और मेरे ऊपर जो मेरे संगठन ने विश्वास जताया उसको मैं पूरे अपनी चिंताओं के साथ पूरा करूंगी। मेरा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारे लिए। लालकुआं कोतवाली के बिंदुखता क्षेत्र में जमीनी विवाद के मामले को लेकर के मौके पर पहुंचे बिंदुखता चौकी इंचार्ज मनोज कुमार और अधिवक्ता एसडी जोशी के बीच में विवाद पेश आया। मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता गया कि अधिवक्ता और पुलिस के बीच में मारपीट तक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अधिवक्ता को गिरफ्तार करके सरकारी कार्यों में बाधा डालने, मारपीट और गाली गलौज सहित कई अहम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं मामले की सूचना के बाद कम्युनिस्ट नेता और कई अधिवक्ताओं ने भी चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने मामला बढ़ता देख कोतवाली में एकत्रित भीड़ को हटा दिया। तो वहीं पुलिस और अधिवक्ता के बीच मारपीट की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।